गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इन द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर की एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वी हैव ऑलरेडी डन अबाउट पार्टिसिपेशन, की पार्टिसिपेशन क्या होता है, पार्टिसिपेशन कैसे किया जाता है, अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग की, एक तो जैसे डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, इलेक्शन के अंदर हम पार्टिसिपेट करके अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, एक तो ये हो जाएगा डायरेक्ट मेथड पार्टिसिपेशन का। इससे अलग कौन कौन से वेज होते हैं जिसके अंदर हम, जिसके साथ हम गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ये टॉपिक भी हम कर चुके हैं। इससे नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है नीड टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट, कि जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, भेदभाव वगैरह उठते हैं या फिर जो लड़ाई उठते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, जो विवाद उठते हैं उनको कैसे रिजोल्व किया जा सकता है, उनको कैसे उनका सॉल्यूशन होता है। इन अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया, पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, रीजन्स, लैंग्वेज एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड लाइफ, एक जैसे इंडिया के जैसे जो वास्ट कंट्री है उसके अंदर भी जो अलग अलग लोग हैं, मतलब अलग अलग कल्चर से, अलग अलग धर्म से, अलग अलग जगह से, अलग अलग लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है जो एक साथ में रहते हैं, सम टाइम देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट अमंग देम, तो काफ़ी टाइम उनके अंदर कुछ विवाद हो जाते हैं। वैन सम अमंग देम फील दैट दे आर बींग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, दे मे यूज़ वॉयलेंट मैथड टू सेटल देयर डिफरेंसेज, तो उनको क्या लगता है काफ़ी टाइम, मतलब वो खुद को डिस्क्रिमिनेटेड, भेदभाव मतलब लगता है कि हाँ हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो इन चीज़ों को सोल्व करने के लिए काफ़ी टाइम वो वॉयलेंट मैथड चूज़ कर लेते हैं। रिलीजियस प्रोसेशन ऑफन लेड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉयलेंस, कि जो धर्म के ऊपर अधिकार वगैरह है वो भी उसके कारण भी काफ़ी टाइम कॉन्फ्लिक्ट, विवाद और वॉयलेंस वगैरह स्टार्ट हो जाता है। द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन डिफरेंट रीजन कैन ऑल्सो बिकम एन इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, काफ़ी टाइम की जैसे दो, उसके दो राज्य का के अंदर एक ही रिवर होती है, मतलब दोनों के सेम वो रिवर लगती है, तो उसके पानी से रिलेटेड भी काफ़ी टाइम कॉन्फ्लिक्ट, विवाद हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कावेरी रिवर बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु हैज़ लेड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्टेट, कि जैसे कर्नाटका और तमिलनाडु के अंदर एक सिंगल रिवर शेयर करते हैं, मतलब सिंगल नहीं, एक सेम रिवर शेयर करते हैं, वो कावेरी, तो इस वजह से उन दोनों जो राज्य हैं उसके अंदर विवाद रहता है उसके पानी को लेकर। अ सिमिलर कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा, ऐसे ही एक सेम सिमिलर कॉन्फ्लिक्ट है हरियाणा और पंजाब के अंदर, किस चीज़ का पानी शेयर होता है, भाखड़ा डैम का। इन सच केसेस, ऐसे केसेस के अंदर द सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरव्यूज एंड सीज दैट अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वर्कड आउट फॉर बोथ द स्टेट, तो ऐसे अगर सिचुएशन जब क्रिएट हो जाती हैं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करने की ट्राई करती है कि जिससे दोनों राज्य के अंदर शांति हो सके। इन एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री, हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर द गवर्नमेंट हैज़ अ जुडिशियल विंग और जुडिशरी विच रिजोल्व डिस्प्यूट अकॉर्डिंग टू लॉ, तो हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हमने जुडिशियल विंग के बारे में पढ़ा था, मतलब हमारी जुडिशरी के बारे में पढ़ा था, हमारे जो लॉज वगैरह उनके बारे में पढ़ा था कि वो ये काम, वो इन डिस्प्यूट को, इन विवादों को सुलझाने का काम करते हैं। सच अ प्रोविज़न ग्रेटली एड टू द स्मूथ वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, तो इससे हमारी जो गवर्नमेंट की वर्किंग है वो बहुत स्मूथली वे से चल सकती है। इक्वालिटी एंड जस्टिस, की कैसे बराबरी आती है और कैसे हमें न्याय मिलता है। वन ऑफ द की आइडिया ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ इट्स कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस, कि हमारी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो एक मेन की आइडिया है वो क्या चीज़ है, कि हम विश्वास दिलाते हैं सबको बराबरी का, इक्वालिटी का एंड न्याय का, जस्टिस का, कि सबको बराबरी का हक मिलेगा और सबको न्याय मिलेगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसीलिए जो हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके अंदर इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि लॉ के सामने, हमारी सरकार के सामने, हमारे देश के सामने, कि सभी लोग बराबर। इन दिस आइज ऑफ लॉ एवरी सिटीजन शुड बी इक्वल इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज अदर कास्ट, क्रीड, सेक्स और एजुकेशन, मतलब हमारे लॉ के सामने हर सिटीज़न बराबर है, चाहे वो किसी कास्ट का हो, किसी क्रीड का हो, किसी या फिर वो मतलब वोमेन है, मैन है, उसने एजुकेशन क्या कुछ की है, किसी भी मामले में हो सभी लोग बिल्कुल बराबर होते हैं। जो अगर एक बड़े को जो हक मिलेगा वही छोटों को हक मिलता है, मतलब जैसे भी है वही सेम हक सबको मिलता है।
The earlier practice of untouchability, which created inequality in society, has been abolished by law. कि पहले हमारे पास एक पॉलिसी थी untouchability की, छुआछात की, उसको अब ख़त्म कर दिया गया है. कि वो inequality को एनक्रेज करता था, उसको अब ख़त्म कर दिया गया है. Now people belonging to this group can go to temples, have education and enjoy other facilities which are available in the store. कि अब चाहे वो किसी भी ग्रुप से बिलोंग क्यों ना करता हो, चाहे उसकी कास्ट कोई भी क्यों ना हो, हर कोई मंदिरों में जा सकता है. सबको अपनी मतलब सभी को शिक्षा का अधिकार है. सब भी हर टाइप की फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं जो सोसाइटी के अंदर हमारी अवेलेबल है. द गवर्नमेंट मेक्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर ग्रुप विद इन सोसाइटी विच आर ट्रीटेड एज अनइक्वल्स. Laws have been passed to promote the welfare of untouchables and the girl child who are treated as unequals. गवर्नमेंट ने उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए हैं जिनको अनइक्वल ट्रीट किया जाता था, जिनको बराबरी का हक नहीं था. गवर्नमेंट ने उनके लिए स्पेशल लॉज बनाए हुए हैं. जैसे एक लॉ भी पास किया गया है जो अनटचेबल्स के वेलफेयर के लिए है, जो छुआछूत माने जाते थे, अगर छोटी जाति के लिए माने जाते थे तो उनको प्रमोट करने के लिए उन्होंने लॉ वगैरह बनाए हैं. और गर्ल चाइल्ड को, जैसे गर्ल्स को पहले सेम हक नहीं मिलता था बॉयज़ के जैसे, उनको उनके लिए भी काफ़ी सारे लॉ पास किए गए हैं. इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस फीस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट हैव बीन लोअर्ड और इवन वेव. और क्या होता है कि स्कूल में कॉलेजेस में जिन गर्ल्स की मतलब काफ़ी टाइम उनकी फ़ीस काफ़ी फ्री मिलती है, फ्री नहीं मिलती है तो उनको कुछ छूट दी जाती है. सच स्टेप्स आर टेकन बाई गवर्नमेंट टू प्रमोट इक्वालिटी एंड जस्टिस अमंग वेरियस सेक्शन लिविंग इन द सोसाइटी. ये सभी रूल्स इक्वालिटी को बढ़ाने के लिए, इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए बनाए गए हैं. दस जस्टिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट की एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो जस्टिस है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का. नेक्स्ट इज डिग्निटी. इफ़ यू वॉन्ट अ पर्सन टू बी लॉयल टू हिज कंट्री. अगर आप चाहते हैं कि कोई भी एक पर्सन है वो कंट्री के प्रति वफादार रहे, लॉयल रहे, ही शुड बी गिवन ऑल अपॉर्चुनिटीज़ टू लाइव विद डिग्निटी. तो उसको हर एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए जिससे कि वो अपनी डिग्निटी, अपनी शान के साथ रह सके. इसके साथ ही हमारा चैप्टर की एलिमेंट टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फिनिश होता है. थैंक यू.